मोहन भागवत के सुपरमैन और देवता वाले बयान पर जमकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने जहां इस पीएम मोदी पर हमला बताया है, तो वहीं शिवसेना के संजय राउत ने कहा उन्हें खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्र में अल्पमत की सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार मुश्किल में है। यूपी में कम सीटें आने के बाद जहाँ एक और सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच तकरार और मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को विपक्ष पीएम मोदी पर हमले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गुरुवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत झारखंड के विष्णुपुर में थे। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज मानवता और इंसानियत नहीं है, वो पहले असली मनुष्य बन जाए। आज का मानव मनुष्य बनने की बजाय अति मानव अलौकिक और सुपरमैन बनना चाहता है। उसको लगता है कि उसे अब देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि भगवान हमसे बड़ा है, तो वो अब भगवान भी बनना चाहते हैं। ऐसे में अब ये कह जा रहा है कि संघ प्रमुख ने सुपरमैन के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भी मोहन भागवत ने मनुष्य को अहंकार छोड़कर लोगों की सेवा करने की सीख दी थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। ऐसे में अब ये तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ही जानते हैं कि उन्होंने सुपरमैन, देवता और भगवान किसे कहा है। लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती है, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं, वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकते। तब से मोहन जी बहुत सी बातें बहुत ही बेबाकी से बोल रहे हैं। अब ये सुपरमैन कौन है मोहन जी के मन में, विष्णु के अवतार कौन है, या जिस तरह से कहा गया क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति कौन है, ये पूरा देश जानता है। तो भागवत साहब ने खुलकर बोलना चाहिए। इस देश में जो हो रहा है अभी भी, अल्पमत की सरकार होने के बावजूद, वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है। इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है, और ये कॉमन मैन ने अपने आप को भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा। तो मैं मानता हूं इस देश का मतदाता कॉमन मैन ये सुपरमैन है। देखिए, ये सरकार डीरेल है। जब से ये नए रेलवे मंत्री ने अपना पदभार संभाला है, फिर एक बार और पहले भी, तब से उनके कार्यकाल में जो अपघात हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें 300 से ज्यादा लोगों की या पैसेंजर्स की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, गंभीर है। आप बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं, हाँ, आप मेट्रो ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, ऐसी बहुत बड़ी योजना आपकी है, लेकिन सिग्नल सिस्टम या रेलवे की जो लाइन्स है जिसमें मरम्मत की जरूरत है, उसके आप पर आपका ध्यान नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।